वर्षा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ मिंत्रा फुटवियर हॉल। मैंने कुछ फुटवियर परचेस किए हैं मिंत्रा से, सो मुझे बहुत अच्छे रिसीव हुए हैं एंड एकदम अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी प्रोडक्ट रिसीव हुए हैं। सो इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ में अपने फुटवियर शेयर कर रही हूँ एंड मैं फर्स्ट टाइम अपना फुटवियर हॉल वीडियो शेयर कर रही हूँ। सो आपको कैसा लगता है यह मेरे फुटवियर कलेक्शन, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो सो वीडियो को एंड तक के ज़रूर देखिए। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ऐसे ही आने वाले वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, ये मेरा फर्स्ट मिंत्रा का जो बॉक्स है मुझे रिसीव हुआ है। सो चलिए देखते हैं कि इसमें हमें कौन सा फुटवेयर रिसीव हुआ है। सो देखिए, इस तरह की पैकेजिंग में मिंत्रा से मुझे ये वाला इस तरह के बॉक्स में यहाँ रबर बैंड से टाई किया गया है। इस तरह से हमें यहाँ पे परचेस होता है एंड देन देखते हैं कौन सा मिलता है इसमें। सो गाइस, इसमें मुझे पिंक कलर की सैंडल मिली है। सो पिंक वाली जो सैंडल है वो इस तरह से पॉलिथीन में रैप की गई है। एंड यह जो है कुछ चीकी विस्मैक करके कुछ ब्रांड है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो यह चीकी विस्मैक करके कुछ ब्रांड है, इससे मैंने परचेस की है। इसका एक्चुअल प्राइस 999 है, बट आई थिंक मैंने इसे अंडर 400 रुपीज़ में परचेस किया है। बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है। इसमें इस तरह से बेल्ट में पाइपिंग वाला बेल्ट दिया गया है जो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड इसे पहनने के बाद यह बहुत अच्छी लगती है एंड एकदम कंफर्टेबल है। इसका जो आप मटेरियल देख सकते हो बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। इसे मैंने 40 नंबर में परचेस किया है, बट मुझे इसे एक नंबर बढ़ा करके लेना पड़ेगा, सो मैं इसे एक्सचेंज में डालूँगी। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। मुझे 40 नंबर परफेक्ट आता है, बट पता नहीं यह कि मुझे छोटा साइज़ आया है। सो अगर आपको यह पसंद आए एंड अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग एक नंबर बड़ा चूज़ करें, क्योंकि मेरा तो साइज़ परफेक्ट है बट फिर भी यह मुझे छोटी हो रही है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ। एंड अगर आपको यह पसंद आ रही हो, इसे परचेस करना है तो मैं इसका जो प्रोडक्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। वैसे लुक वाइज यह जो है मुझे बहुत अच्छी लगी है, आप देख सकते हो कितनी प्यारी सी सैंडल है, यह बहुत अच्छी है। सो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। सो गाइस, चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट हमें कैसा रिसीव हुआ है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ड्रेसबेरी वाला कुछ वहाँ शूज़ वाला जो ब्रांड है, सैंडल्स वाला जो मिंत्रा में ड्रेसबेरी का कुछ ब्रांड है, उससे मैंने यहाँ परचेस किया है। देखिए आप, इसकी पैकेजिंग जो है बहुत अच्छी है, इस तरह से पूरी मुझे एकदम पैक्ड होकर मिली है। एंड इसे मैंने रोज़ गोल्ड कलर में मंगवाया है, इसका जो कलर है रोज़ गोल्ड कलर है। सो यह जो है इस तरह की है एंड यह भी कुछ अंडर 350 रुपीज़ है, मुझे बहुत अच्छी लगी। इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी है, आप देख सकते हो, एंड एकदम फ्लैट है। मैं जनरली फ्लैट ही सैंडल पहनती हूँ, मैं हील्स नहीं पहनती हूँ। सो फ्लैट में यह बहुत अच्छी है। यह मैंने 40 साइज़ में लिया था, बट 40 साइज़ मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा था, इसलिए मैंने इसे 39 साइज़ में लिया एंड 39 एक्सचेंज किया मैंने इसे 39 में, एंड 39 जो है एकदम परफेक्ट आया मुझे। इसका एक्चुअल प्राइस 999 है, बट मुझे यह अंडर 350 रुपीज़ में मिला है। सो बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी, आप देख सकते हो। इसका कलर जो है मुझे बहुत पसंद आया, रोज़ गोल्ड कलर में। एंड इसका जो ये टोज वाला जो है बहुत अच्छा डिज़ाइन दिया गया है यहाँ पे क्रॉस वाला, एंड जो इसका मटेरियल भी है नीचे वाला बहुत अच्छा है। इससे क्या होता है, हम लोग फिसलते नहीं हैं, बाकी इसमें जो मटेरियल होते हैं कई बार जो होते हैं चिकने वाले होते हैं, उससे हम जनरली फिसल जाते हैं। सो मुझे तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है,
क्योंकि अगर हम सैंडल लेने जाते हैं ऐसे ही लोकल मार्केट में तो 500 के नीचे नहीं आती हैं, कोई भी अच्छी ब्रांड की सैंडल 500 के नीचे नहीं आती है, उस इसीलिए प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं, आप देख सकते हो। एंड मुझे बहुत अच्छी लगी है, कैजुअल वेयर, कॉलेज वेयर, कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड ऑफिस गोइंग गर्ल्स के लिए यह मस्ट है, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए अगर आपको यह पसंद आ रही हो तो। परचेज़ करना चाहो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए थर्ड बॉक्स में मुझे दो सैंडल्स मिलती है, तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी मिलती है। इसमें भी हमें पॉलिथीन में रैप करके मिलती है। तो इसमें जो है हमें एक पार्टी वियर सैंडल मिलती है जो मैंने अभी वेडिंग फंक्शन के लिए मंगवाया है, इस तरह की मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत पसंद आई है। इसकी भी जो क्वालिटी है आप देख सकते हो, बॉटम की बहुत अच्छी है, ये भी फिसलने वाली नहीं है, एकदम स्मूथ काइंड ऑफ नहीं है। इस तरह की यह सूटोपिया कुछ ब्रांड होगा उसकी है ये, मैं सैंडल्स की ब्रांड के बारे में उतना नहीं जानती हूँ, कपड़ों की ब्रांड के बारे में मुझे जनरली बहुत कुछ पता है लेकिन सैंडल्स के ब्रांड के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। सो कुछ सूटोपिया ब्रांड से है ये, एंड आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन बना हुआ है इसमें। एंड ये जो है इसमें पूरी लेस लगी हुई है एंड ये काम किया हुआ है, एंड ऐसा नहीं है कि हाँ कुछ दिनों बाद निकल जाएंगे या बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बहुत अच्छे से इसमें अटैच्ड है। मैंने इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी से की, आप देख सकते हो नीचे से ये जो हुक है बहुत अच्छे से अटैच है, बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है। इस तरह की यह सैंडल है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, पार्टी फंक्शन के लिए, वेडिंग फंक्शन के लिए यह बहुत ही अच्छी है। अगर आप परचेज़ करना चाहो तो आप परचेज़ कर सकते हो, इसकी क्वालिटी जो है बहुत अच्छी लगी मुझे। सो आपको कैसी लगी है सैंडल आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। दोनों पैर मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरह के सैंडल है एंड गोल्डन कलर में इसलिए परचेस करती हूँ क्योंकि हमारे आजकल जितने भी वेडिंग ड्रेसेस या फिर पार्टी ड्रेसेस है उसमें गोल्डन वर्क ज़रूर होता है। सो इस टाइप की जो सैंडल है ये सारे ड्रेस में अच्छे से कंफर्टेबल आ जाती है। सो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ, एंड आपको ये कैसी लगी सैंडल आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। सो ये मेरा लास्ट प्रोडक्ट है, लास्ट नहीं एक और बचा हुआ है। ये भी कुछ डी चिका कुछ ब्रांड से है, एंड इसमें है मेरी बेटी की शूज़, ये मैंने अपनी बेटी के लिए मंगवाए हैं। सो आप देख सकते हो इस तरह के उसके सैंडल्स है ये, उस मैंने भी उसके लिए भी वेडिंग सीजन के लिए ही मंगवाए हैं इस तरह से, मुझे तो बहुत अच्छे लगे हैं ये। आई थिंक हम अंडर 400 या अंडर 500 है, मुझे इसका प्राइस एक्चुअली याद नहीं है, बट इसकी जो क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो गोल्डन कलर में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। इसमें इस तरह से बेल्ट लगा हुआ है लूज़ एंड टाइट करने के लिए। सो इस तरह की यह गोल्डन कलर की सैंडल है, आपको कैसी लगी यह मेरी बेटी की सैंडल आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत अच्छे से रिसीव हुई है, क्योंकि बच्चे लोग को भी सैंडल आप जानते ही हो अंडर 500 रुपीज़ कुछ नहीं मिलता है आजकल उन लोगों का भी। सो मुझे प्राइस में, अफोर्डेबल प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी रिसीव हुई है सैंडल की। एंड यह सेकेंड सैंडल है जो मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है, एंड इसका जो प्राइस है बहुत अच्छे प्राइस में मुझे यह बहुत अच्छी रिसीव हुई है। इसे मैंने कुछ 190 या 200 रुपीस में मैंने इसे मंगवाया है, एंड आप देख सकते हो कितनी अच्छी सैंडल है यह। सैंडल नहीं, शूज़ है यह, कैजुअल वियर डेली वियर के लिए जो शूज़ लिए हैं मैंने बहुत ही अच्छे लगे हैं मुझे, बस ये थोड़े से बड़े हो गए हैं मेरी बेटी को, बट जो है इसकी क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छी है आप देख सकते हो। इसमें भी हमें एक स्ट्रेचेबल बैंड दिया गया है, अगर आप इसे परचेस करना चाहो तो मैं प्रोडक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है यहाँ, मतलब एज अ प्राइस मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी इसकी रिसीव हुई है।
सो आपको कैसी लग रही है ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड एकदम भी कंफर्टेबल है बच्चों के लिए, कैसा हमेशा शूज या सैंडल जो भी हो कंफर्टेबल चाहिए होती है। सो यह एकदम भी कंफर्टेबल है एंड इसमें भी इस तरह के हील्स लगे हुए हैं जो कि बहुत ही स्मूथ, वैसे वाले हील्स नहीं है जिससे कि फिसल जाते हैं, थोड़े अच्छी क्वालिटी के है। इसमें जो लगा हुआ है नीचे में सोल, ये बहुत अच्छा है एंड इनर में भी बहुत अच्छे से सोल लगा हुआ है। सो मुझे तो ये बहुत पसंद आई है। सारे प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप परचेस करना चाहें तो परचेस कर सकते हैं। एंड आपको मेरे यहाँ फुटवेयर के कलेक्शन कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।